Okay, now today in BSc part 3, paper BSc part 2, paper 3, University of Rajasthan के सिलेबस अंतर्गत और टॉपिक इज एनाटॉमी ऑफ साइकस लीफ लेट, एनाटॉमी ऑफ साइकस लीफ लेट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो ये जो जिम्नोस्पर्म है, इट इज मोस्टली जो लीफ होती है वो पिन्याकली कंपाउंड होती है। कैसी होती है? पिन्याकली कंपाउंड होती है, क्योंकि जैसे कि आपको पहले वर्षित है, दो प्रकार की आपको इसके अंदर ये इसकी मिडवेन, जिसे टेक्निकल भाषा में रेक्टिस कहा जाता है, और इसके दोनों तरफ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस प्रकार से ये लेंशियोलेट आकृति के क्या होते हैं, बहुत सारे लीफलेट लगे हुए होते हैं। याद देख रहे ये लेंशियोलेट आकृति के लीफलेट है। ये संख्या के अंदर ये स्थित लीफलेट, ठीक है, इसे सामान्य भाषा में पिन्ना भी कहा जाता है। दिस इज इक्वल नंबर, ये क्या है, इवन नंबर में पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की कंडीशन को पेरिपिन्नेट, इस प्रकार की कंडीशन को पेरिपिन्नेट कहा जाता है। इसके अंदर सबसे पहले अपन एनाटॉमी ऑफ रेकिस, ये मिडवेन है, इस मिडवेन की एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे। ये मिडवेन की जो एनाटॉमी है उसको अगर अपन देखेंगे, तो ये दोनों तरफ से इस प्रकार, ठीक है, ये दोनों तरफ से इस प्रकार आती है, ये आपका लीफलेट है और ये आपकी क्या है, रेकिस है। इसका अध्ययन करेंगे तो हमें ये इस प्रकार जो वैस्कुलर बंडल है, ये इस प्रकार आपके क्या है, द वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट एज इन्वर्टेड ओमेगा शेप। वैस्कुलर बंडल कैसे मिलता है, इस प्रकार इन्वर्टेड ओमेगा शेप के अंदर ये अपन को सारे के सारे वैस्कुलर बंडल यहां पर क्या है, सिचुएटेड आपको दिखाई देंगे। देन इसके साथ साथ अगर हम इसकी पूरी की पूरी, ठीक है, इस पार्ट का सेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सबसे पहले ये इस पे अपन को
एपी डर्मिस दिखाई देगी। इस एपिडर्मिस के ऊपर अपन को क्लियर कट नॉन लिविंग लेयर जिसे आप क्यूटिकल कहेंगे और इस प्रकार एक यहां पर स्टोमेटा जो संकर प्रकार में होंगे दसे में होंगे इस प्रकार के दिखाई देंगे। इसके पश्चात आपको ये इलोंगेटेड शेप के उत्तर दो या तीन लेयर हाइपोडर्मिस के रूप में दिखाई देंगे जिनमें प्रचुर मात्रा में क्या है क्लोरोफिल भरा हुआ होगा। तो ये क्लोरिन काइमा के नाम से जाने जाएंगे। उसके पश्चात ये आपके जो उत्तक होंगे ये उत्तक आप क्या होंगे इस प्रकार काइमा के दिखाई देंगे। इस प्रकार की ये आपकी क्या है हाइपोडर्मिस होगी। इसके पश्चात ग्राउंड टिश्यू ठीक है ग्राउंड टिश्यू जो कि पेरेंकाइमा प्रकार में होंगे पेरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होंगे। इसके अंदर इस प्रकार की विशेष प्रकार की क्या होगी आपको डक्ट्स पाई जाएगी। ये डक्ट्स एपिथेलियल सेल के नाम से सेल के नाम से जानी जाती है और इसके अंदर म्यूसिलेज नाम का पदार्थ भरा हुआ होता है। इसके पश्चात ये आपके वैस्कुलर बंडल होंगे। इस वैस्कुलर बंडल के अंदर आप देखोगे ये कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन कैसा होता है कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन कैसा होता है कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन प्रकार का होगा यानी कि इसके अंदर कैम्बियम होगी ठीक है। और इसके यहां पर इस प्रकार आप देखोगे ये आपके विशेष प्रकार के जो जाइलम होगा उसको विशेष स्पेशली डिप्लोडाइलम जाइलम के नाम से जाना जाता है। जाइलम दो प्रकार के होते हैं एक सेंट्रीफ्यूगल दूसरा सेंट्री पीटल। आप देखोगे ये सेंटर से जैसे कि विजिट है टुवर्ड्स सेंटर बाहर से बनकर अंदर की तरफ गया अंदर से बनके बाहर की तरफ आया। तो ये सेंट्री पीटल और सेंट्रीफ्यूगल ये सेंट्री पीटल ये सेंट्रीफ्यूगल और ये फ्लोएम। तो पूरे के पूरे अगर सेंटर आप देखोगे तो इसमें आपको यहां भी नजर आएंगे ठीक है आप देख रहे हो बाहर की तरफ बड़ा अंदर की तरफ छोटा और
इसी प्रकार यहां जाते जाते आपको ये पूरे पूरे शुक्राल आप देख रहे हो और ये आपको दो। तो तीन प्रकार के आप जागरण देखोगे। दूसरा तीसरा तो अगर इस रेटिस को देखेंगे तो बेस मिडिल एंड टॉप इन तीनों के अंदर बिल्कुल अलग अलग प्रकार की कंडीशन आएगी। ओनली सेंट्रिक फ्यूगल बेस के अंदर एंट्री सेंट्री फ्यूगल फ्लोएम्स टुवर्ड्स एडक्शन साइड यहां पर मेन सेंट्री फीटल फ्लोएम एडक्शन साइड बोथ सेंट्री एंड सेंट्री फ्यूगल। तो इस प्रकार की एनाटॉमी जिसके अंदर आपको तीनों प्रकार के आपको सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एंड बोथ सेंट्री एंड सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन आपको बेस के अंदर मिडिल के अंदर टॉप के अंदर आएगी। तो दिस इज इंपोर्टेंट टुवर्ड द एनाटॉमी ऑफ साइकस रेकिस। साइकस की रेकिस इंपोर्टेंट आती है। ओके थैंक यू।